दोस्तों, अगर आप फास्टनर लाइन में काम करते हैं या फिर कोल्ड फोर्जिंग प्रोसेस एरिया में काम करते हैं, चाहे आप प्रोसेस एडवाइजर हैं या फिर एक बोल्ट मशीनिस्ट हैं, दोस्तों आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूजन डाई क्या होती है, ट्रैप एक्सट्रूजन डाई क्या होती है और फर्स्ट एक्सट्रूजन डाई क्या होती है। एक्सट्रूजन साइज के अकॉर्डिंग डाई के अंदर रिलीफ साइज कितना होना चाहिए, आज के वीडियो में हम आपको ये बताने का प्रयास करेंगे। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विनोद चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईआर विनोद चौहान ऑफिशियल। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास तौर पर ऐसे इंप्लॉइज के लिए जो फास्टनर लाइन में काम करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियोज लेकर के आता हूं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, क्यों ना फ्री में ज्ञान लीजिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, जो भी व्यूअर्स चैनल पर अगर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए, आपके सामने एक फ्रंट और मिडिल एक्सट्रूशन डाई का एक हैंड स्केच मैंने बनाया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखिए, इस डाई को किस किस नाम से बुलाते हैं, फोर्जिंग प्रोसेस में या फिर टूल स्टोर में। दोस्तों, इसको बोलते हैं हम फर्स्ट स्टेशन में हाफ एक्सट्रूजन डाई यूज होती है। इस प्रकार की जो डाई होती है दोस्तों, वो फर्स्ट स्टेशन में मेटल को हाफ एक्सट्रूड भी करती है। और दोस्तों, इस प्रकार की डाई हम फ्रंट एक्सट्रूजन डाई भी बोलते हैं, जो पहले ही स्टेशन में फ्रंट में यूज करते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की डाई हम मिडिल एक्सट्रूजन भी बोलते हैं। और दोस्तों, इस प्रकार की डाई जब भी आपको दिखाई दे, तो ये थर्ड स्टेशन में ओवरहैंग एक्सट्रूजन यानी कि थ्रेड लेंथ मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। और दोस्तों, इस प्रकार की डाई फोर्थ स्टेशन में भी यूज होती है, जिसमें कि हमारा ओवरहैंग एक्सट्रूजन किया जाता है थ्रेड लेंथ या फिर TRD डाई मेंटेन किया जाता है। दोस्तों, आइए इसकी डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इसमें ये हमें पैलेट दिखाई दे रहा है, पैलेट यूज किया गया है इसमें GT55 का, ठीक है दोस्तों। और ये इसका आउटसाइड डायमीटर है दोस्तों, ये इसका आउटसाइड डायमीटर है। और दोस्तों, यहाँ पे इसकी टोटल लंबाई दिखाई गई है। और दोस्तों, इसमें ये बॉडी साइज दिया गया है। दोस्तों, बॉडी साइज हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि रॉ मेटल के अकॉर्डिंग ही बॉडी का साइज बनाया जाता है। और इसमें 15 डिग्री का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों एक्सट्रूजन डाई में, जो मिड एक्सट्रूजन डाई होती है उसमें। और दोस्तों, ये इसकी बॉडी लेंथ है विद एंगल, और ये इसकी एक्सट्रूजन लेंथ है, जिसे हम बेंड लेंथ भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये है इसका रिलीफ साइज। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि रिलीफ साइज एक्सट्रूजन साइज के अकॉर्डिंग रिलीफ साइज कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों, रिलीफ साइज है ये हमारा, और इसमें बैक साइड में 13 डिग्रीज इस्तेमाल होती है दोस्तों। दोस्तों, मान लीजिए हमारा बॉडी डायमीटर है 9.80, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बॉडी का साइज हो गया। हमारा एक्सट्रूजन कितना रहेगा दोस्तों, मान लीजिए हमारा एक्सट्रूजन बनेगा 7 mm, ठीक है दोस्तों, एक्सट्रूजन डायमीटर हमारा 7 mm बनेगा। और
इसमें हमारी बैंड लेंथ रहेगी दोस्तों 1:20 से लेकर 1:30 के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसमें हमें रिलीफ साइज निकालना है कितना होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर हमारा एक्सट्रूशन डाया 7 mm है तो दोस्तों हमारा रिलीफ साइज रहेगा 7.05 से लेकर 7.06। ध्यान दीजिए दोस्तों, 7.05 से लेकर 7.06 mm के बीच में इसका हमारा रिलीफ डायमीटर रखेंगे दोस्तों। दोस्तों अगर हम 7.10 या 7.15 अगर इसका रिलीफ साइज रखते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होएगा दोस्तों उस सिचुएशन में प्रॉब्लम आएगी प्रोडक्ट में। आपका जो पार्ट्स इस डाई के अंदर बनाया जाता है वो हमारा बैंड होने के चांसेस हैं ज़्यादा दोस्तों, पार्ट्स बैंड हो जाएगा अगर हम रिलीफ साइज ज़्यादा रखेंगे तो दोस्तों। ना कि हम रिलीफ साइज ज़्यादा रखेंगे, अकॉर्डिंग टू ISO दोस्तों इंजीनियरिंग में भी यही बताया जाता है हमें कि एक्सट्रूशन डाया जो भी हमारा रहता है उसे 0.5 या 0.6 ज़्यादा ही हमारे रिलीफ साइज रखें। दोस्तों आई होप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी व्यूवर्स को समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।